अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं और अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि टिकट किसी को भी दें लेकिन जनता देखेगी संगठन क्या है, विचारधारा क्या है, नेता कौन है और किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। उस संदर्भ में कांग्रेस हर बार बीजेपी को हरा सकती है। जो कल प्रकरण हुआ और जिस प्रकार केंद्र सरकार अपने एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है वो अब जटझाई हो चुका है और 90% 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है CBI की, ED की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है विरोधियों की आवाज़ दबाने की, इसको लोग कभी भी ठीक नहीं मान सकते हैं। और जो कल डिटेन अरेस्ट किया गया है वो भी उसी श्रृंखला का एक कड़ी है और पब्लिक अंत में निर्णय करेगी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जहाँ तक चुनावों की बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के अंदर भी बीजेपी बैकफुट पर है। वो जानती है कि यहाँ पब्लिक का मूड बदल रहा है और कांग्रेस के पक्ष में तमाम लोग मतदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी पार्टी की बनेगी और राजस्थान में हम लोगों ने सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है और भाजपा की जो विफलताएँ हैं वो भी सबके सामने हैं, विधानसभा के सदन के अंदर, सड़क पे। सिर्फ चुनाव से ठीक पहले यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती हैं, लगातार जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है जो भाजपा ने किया नहीं। आज भी अंदर खींचतान चल रही है, आप देख रहे हैं जो पार्टी अपने आप को पार्टी ऑफ द डिफरेंस बोलती थी, आज पता नहीं कि नेता कौन है, टिकट कौन दे रहा है, कौन कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि हर 5 साल सत्ता परिवर्तन होता है तो हम घर बैठे ही सत्ता का सुख भोग लेंगे, वो होने वाला नहीं है। यहाँ परंपरा टूटेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान के अंदर। देखिए बीजेपी जब चुनाव आते हैं उससे पहले सारे परिवर्तन यात्रा, संघर्ष यात्रा, आक्रोश यात्रा और तमाम जलसे निकालते हैं, लेकिन पब्लिक देखती है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने 5 साल क्या किया। और चुनाव से ठीक पहले आप भाषण करें और जुलूस निकालें और भीड़ इकट्ठी कर लें, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग गवर्नेंस को, लोग विचारधारा को, लोग उम्मीदवारों को देखकर वोट डालते हैं और हर पैमाने पर कांग्रेस बीजेपी से बेहतर निकलेगी। एक चर्चा हुई लोगों की, जिस तरह से चर्चा सरकार जिम्मेदार है, देखिए जिम्मेदारी किसकी है, मैंने कल ही कहा था आपको, जो विभाग सरकार के हैं, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, ये स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये केंद्र सरकार के होते हैं। जहाँ जो सहयोग चाहिए, जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री था तो सर्वे हम लोगों ने करवाया, सैंक्शन हम लोगों ने करवाया, वित्त मंत्रालय से, प्लानिंग कमीशन से, एयरपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, बजट में सब हमने करवाया था। उसके बाद न जाने क्या बेरुखी हुई कि वो सरकार उसको आगे ले जाने में बिल्कुल असमर्थ रही और बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी। अगर आप कोशिश करें और नाकाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बेरुखी रखी क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की थी संभवतः, और हम लोगों ने जो हमने करना था हमने पूरा किया, आज भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो महकमे, जो डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उसका तो उनको संज्ञान लेना ही चाहिए था। मुझे दुख है कि ये नहीं कर पाए, लेकिन अब समय बदलेगा, 24 में जब इंडिया की सत्ता जाएगी और इंडिया की अलायंस की सरकार आएगी तब सभी काम होंगे। चुनाव में पता नहीं कहाँ बात को कुरेते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साफा मानते नहीं मानते, वो अलग था। जब मैं अध्यक्ष बना था तब मैंने प्रण लिया था उस समय कि भाई जब तक मैं कांग्रेस पार्टी को मैं सत्ता में लेकर नहीं आऊँगा तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। वो बात 2014 से 2018 तक की थी, उसकी सरकार हमारी बन गई, उसके बाद मेरे तो थोड़ा हाथ में दर्द था इसलिए मैं साफा नहीं पहनना। देखो यहाँ जो भी हम लोग हैं ये जनता की बदौलत है, जो विकास यहाँ पर हुआ उसका पूरा श्रेय मैं यहाँ की पब्लिक को देना चाहता हूँ, यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। और 4.5 साल में जितना हो सका उससे ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर जो विकास हुआ उसमें लोगों का सहयोग हमको मिला, क्योंकि जहाँ पर सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, भाईचारा नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो निर्माण हो, विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसानों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर बनाने में कामयाब हुई, वो सब पब्लिक का कोऑपरेशन की वजह से हो सका। और मुझे खुशी है कि विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर मापदंड में हम लोगों की परफॉर्मेंस जनता के बीच बहुत अच्छी रही और लोगों का भी हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। गाँव में, शहरों में जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अब इंतजार करिए, चुनाव होगा और ये लोकतंत्र का पर्व है, इसका सब देश सभी से इंतजार कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि
सब लोगों ने यहाँ पर आश्वासित किया है कि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की पिछले चुनाव में हुई थी उससे ज़्यादा बड़ी जीत इस चुनाव में।